इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई इंसान गांव में रोज 27 रुपए या शहर में रोज 33 रुपए तक कमा लेता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर। वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए शायद पिछले 1000 साल में सेंट्रल एशियन और यूरोपियंस ने ना जाने कितनी बार भारत को लूटा। जिस देश में 60% लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं जहां पर ग्रोथ सिर्फ उतनी है जितनी ग्रोथ महंगाई की हो रही है, तो वहां पर गरीब ऊपर कैसे उठें। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के तहत भारत में सिर्फ फीमेल लेबर का आंकड़ा 18% का। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने पर किसी भी देश में ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जा सकता है, और इन गोल्स को अचीव करने का टारगेट 2030 तक का है। इन गोल्स में सबसे पहला नंबर पावर्टी को हटाना है, जिससे इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। भारत ने भी इन गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार काम किया है, लेकिन जब कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं तो सच्चाई सामने आती है। अभी UNDP ने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को जारी किया तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इन रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए पहले हमें पावर्टी को ढंग से समझना पड़ेगा। गरीबी एक ऐसा फैक्टर है जो हर इंसान को हर तरीके से इंपैक्ट डालती है। गरीब कौन है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें अगर कोई इंसान रोजाना $1.9 या इससे कम में अपनी आजीविका को चला रहा है तो वो एक्सट्रीम पावर्टी का हिस्सा है, और मॉडरेट पावर्टी की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग $3.1 तक रोजाना कमाते हैं। ऑफिशियल पावर्टी लाइन में कुछ बेसिक नीड्स की बास्केट तैयार की जाती है जिसमें खाना, कपड़ा, गाड़ी, किराया, एंटरटेनमेंट जैसी चीजों को शामिल किया गया है। अगर कोई इंसान इनके ऊपर खर्च कर सकता है तो उसे अबव पावर्टी लाइन में रखा जाता है, और अगर नहीं तो वो बिलो पावर्टी लाइन वाले सेक्शन में रहता है। लेकिन हर देश में कंडीशन एक जैसी नहीं है, इसीलिए हर देश अपने हिसाब से पावर्टी लाइन को डिफाइन करने की कोशिश करता है। और अगर भारत की बात करें तो यहां पर भी आज तक 6 अलग अलग कमेटीज बनाई गई हैं, जिसमें से कि सबसे लेटेस्ट रंगराजन कमेटी है। इसे 2014 में ये काम दिया गया था, लेकिन सरकार को इसकी रिपोर्ट्स सही नहीं लगी तो इसीलिए अभी तक इससे पिछले वाली तेंदुलकर कमेटी को ही कंटिन्यू रखा हुआ है। वैसे तो ये कमेटी 2005 में बनाई गई थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट को 2009 में सबमिट किया। इसमें सभी स्टेट्स के रूरल और अर्बन एरियाज को कवर किया गया था, जिसमें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पावर्टी लाइन को डिफाइन किया गया था। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई इंसान गांव में रोज 27 रुपए या शहर में रोज 33 रुपए तक कमा लेता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 2011 से 2012 तक देश की 22% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे थी। पावर्टी को दूसरे तरीके से भी मापा जाता है, जिसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI कहते हैं। 2011 में सबीना एल्कायर और जेम्स फॉस्टर ने यह तरीका निकाला था, जिसमें 10 अलग अलग इंडिकेटर्स को 3 मेजर कैटेगरीज के अंडर रखा हुआ है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टाइल। इस तरीके के हिसाब से 2015 से 2016 में भारत में BPL में लगभग 28% पॉपुलेशन थी। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में और इसमें काफी फर्क था, जिसका कारण था कि तेंदुलकर कमेटी का फॉर्मूला खर्चे के ऊपर बेस्ड है और दूसरी ओर MPI आउटकम्स के ऊपर बेस्ड है, जहां प्रेजेंट कंडीशन को देखा जाता है। जैसे किसी घर में बेशक से 50 रुपए दिन का खर्चा करने लायक पैसा कमाया जाता है, और तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से तो ये घर BPL से ऊपर है। लेकिन अगर उसी घर में किसी मेंबर की हेल्थ कंडीशन या एजुकेशन का लेवल सही नहीं है तो इस घर की आउटकम के रिजल्ट को देखकर MPI के हिसाब से ये घर BPL में आएगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के अंदर आने वाले हर 6 में से 5 लोग शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। इंडिया में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और इसमें इंडिया ने टॉप पोजिशन कायम की है। एजुकेशन में जेंडर गैप के आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें 22 करोड़ लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर महिलाओं ने स्कूल में 6 साल भी पूरे नहीं किए। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 28% जनता BPL में आती है और 9% की हालत बेहद गंभीर है। ये नेशनल लेवल की रिपोर्ट इस साल नीति आयोग ने पहली बार जारी की है, जिसमें भारत के हर राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन और उनकी पोजीशन के बारे में बताया गया है।
इस इंडेक्स में बिहार ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, जहां तकरीबन 52% लोग BPL कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद झारखंड में 42% और यूपी में 38% लोग BPL में हैं। केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में BPL में आने वाले सबसे कम लोग हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में शहरों से ज्यादा हालत खराब है। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 4 को रेफरेंस के तौर पर लिया है। ये सर्वे 2015 से 16 में किया गया था, जबकि NFHS 5th एडिशन आने के बावजूद पुराना आंकड़ा क्यों लिया गया? अभी तक हमने पावर्टी क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये तो समझ लिया, लेकिन हमारे देश में पावर्टी के पीछे क्या क्या वो कारण है, इन्हें भी समझ लेते हैं। वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए शायद पिछले 1000 साल में सेंट्रल एशियन और यूरोपियंस ने ना जाने कितनी बार भारत को लूटा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर ही नजर डालेंगे। हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इनफॉर्मल सेक्टर्स होने की वजह से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो इन्हें नहीं मिल पाती और इन लोगों को गरीबी से ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलता। इस सेक्टर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन को कुछ अगर कमाते हैं तो ही उन्हें रात का खाना खाने को मिलता है। अगर उन्हें बैंक से जैसे लोन फैसिलिटीज मिलती हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन या एटलीस्ट स्किल डेवलपमेंट के जैसे कोर्सेज करवा सकते हैं ताकि वो गरीबी से ऊपर उठ सके। लेकिन ये गरीबी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन को हायर लेवल में ही पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल बेसिक्स को अगर हमें साइंस और हिस्ट्री की तरह एलिमेंट्री एजुकेशन में ही पढ़ाया जाए तो हमें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर्स के बीच कैसा बैलेंस होना चाहिए तो कम पढ़ा लिखा इंसान भी इसके बारे में समझ रखेगा, जिससे सोसाइटी में हमारे देश में मांगने वालों की जगह कमाने वालों के नंबर्स बढ़ेंगे। हमारे देश में अभी तक वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोफेशनल एजुकेशन के हिसाब से देखा जाता है, जहां पर कई बच्चे किसी भी फील्ड में उसके बेसिक्स बिना जाने ही ऑप्ट कर लेते हैं और जब तक उन्हें अपने इंटरेस्ट का पता चलता है तब तक वो काफी लेट हो गई होती है और उन्हें उसी में ही कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्पिटिटिव है कि आप वापिस आने का सोचते भी नहीं हो। इससे वो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं लेकिन वो प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते, इसीलिए उनके पास फिर जॉब का ही एक तरीका बचता है। अगर वो प्रोफेशनली स्ट्रांग होते तो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते जिससे अपने साथ वो कई सारी एम्प्लॉयमेंट भी ऑफर करते, जिससे गरीबों को अपने हालत सुधारने का मौका भी मिलता। हमारे देश में 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करती है और उनका GDP में योगदान सिर्फ 20% का है। यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनकी कमाई कितनी कम है। जिस देश में 60% लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं जहां पर ग्रोथ सिर्फ उतनी है जितनी ग्रोथ महंगाई की हो रही है, तो वहां पर गरीब ऊपर कैसे उठेंगे? बेशक से हम सेक्स रेशो को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा दें, लेकिन इंडिया में सोसाइटी ऐसी है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को बराबर का दर्जा देने में पीछे रह ही जाती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के तहत भारत में सिर्फ फीमेल लेबर का आंकड़ा 18% का है। हमारे देश में पैसा नहीं है ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा। LPG रिफॉर्म्स के बाद हमारे देश में इकोनॉमी एकदम से बूस्ट में गई, लेकिन इससे कैपिटलिज्म वाला कल्चर भी हमारे देश में और ज्यादा बढ़ गया। अमीरों के पास फैसिलिटीज हैं, ऑप्शंस हैं, रिसोर्सेज हैं, जिससे अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, और गरीबों के पास नौकरी ही ऐसा पेशा है जहां से वो अपनी गरीबी से ऊपर निकल सकते हैं। हमारे देश में 1% अमीरों के पास 70% गरीबों से 4 गुना ज्यादा पैसा है। अगर हम सभी भारतीय अरबपतियों की वेल्थ को ऐड करें तो हमारे देश के 1 साल के बजट से भी ज्यादा होगा। मैंने ऐसे ही और पॉइंट्स भी एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। वैसे ये बोलना आसान है कि कुछ चीजों पर अगर ध्यान दे दें तो गरीबी से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में ये एक चैलेंजिंग भरा काम है। अफ्रीका की एक कंट्री इथियोपिया है जहां पर स्टूडेंट्स के एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन की मदद से स्टोर किया जा रहा है ताकि उन्हें इन फ्यूचर रिकॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही रिकॉर्ड्स अगर इंडिया में भी शुरू कर दिए जाएं तो आइडेंटिटीज के रिकॉर्ड्स, लोन रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स रखने में शुरुआत में इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी लोन इजीली दिए जा सकते हैं।
जब सब कुछ सिक्योर्ड, ऑटोमेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो उससे करप्शन भी कम होगी। टाइमलेस एक्टिविटीज से एफिशिएंसी बढ़ेगी जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाई जा सकती है। पॉवर्टी को कम करना इसीलिए भी जरूरी है कि अगर सुपर पावर नेशन की रेस में दौड़ना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सही टाइम के अंदर अंदर अचीव करना पड़ेगा।